नमस्ते, मेरा नाम नेहा भाटिया है। मैं जोधपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ कीव यूक्रेन में रहती हूँ। थर्ड कोर्स स्टूडेंट हूँ तरस शेवचेंको यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको अपनी फ्रेंड सुरभि श्रीवास्तव के साथ पहले वीडियो में बताया था कि हमारी सिचुएशन वर्स से वर्स्ट हो रही है। कुछ भी नहीं पता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। बट कल से जो सिचुएशन हुई है उसके बाद हम लोग और भी पैनिक हो गए। जब सुबह 4:30 बजे हमने फिर से सायरेंस की आवाज़ और फिर से बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। बॉम्ब ब्लास्ट हॉस्टल के बहुत नज़दीक हो रहा था। 24 घंटे हमने उस बंकर में बिता लिए, बिना बिजली, बिना पानी, बिना खाना, और हम अपने फ़ोन्स भी चार्ज नहीं कर पा रहे थे। कईयों के पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बच्चे जो डरे हुए थे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बच्चों को डर लग रहा था अगर वो बाहर जाएंगे उन्हें कुछ हो जाएगा, और वहाँ उनकी फैमिली परेशान हो रही थी। जितनी मदद हो सकी वो मैंने और मेरी फ्रेंड सुरभि श्रीवास्तव ने की है। बट अभी एम्बेसी से नोटिस आया कि लीविव से एक बस जा रही है। मैंने एम्बेसी में कॉल किया, उनको बताया सब चीज़ें, उनको पूछा तो उन्होंने बोला 1-2 दिन वेट करो। अगर आप खुद से पोलैंड नहीं जा सकते तो अभी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन के बाद कुछ स्टेबल होगा और धीरे धीरे इवैक्यूएशन ये कील से स्टार्ट करेंगे। हम अकेले पोलैंड कैसे जा सकते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में? खुद के ऊपर नहीं हो सकता है ये। फूड एंड वाटर दोनों की सप्लाई हमारे पास नहीं है, दोनों ख़त्म होने को है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन चलेगा, क्योंकि जो लोगों के पास खाना पीना नहीं था हमने उनको जाके खाना पीना दिया, मिल बांट के रहे, यूनिटी बना के रखी। बट अब आगे क्या करना है कुछ भी नहीं पता है। कब इवैक्यूएशन क्यू में स्टार्ट होने वाला है, कब हम अपने फैमिली से मिल पाएंगे, कुछ भी नहीं पता है। इंडियन एम्बेसी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, क्यू कैपिटल ऑफ यूक्रेन, प्लीज़ आप उसमें जल्द से जल्द कोई अच्छे एक्शंस लें, बच्चों को निकालें। पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों की हालत ख़राब है। यहाँ बिल्कुल सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। बंकर्स बहुत ठंडे हैं, ठंड लगती है नीचे। बच्चे ऑलरेडी 4 को फीवर आ चुका है, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। वो बाहर आएंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट एंड सायरेंस की आवाज़, अंदर रहेंगे तो ठंड से। आई होप आप सब लोग ये समझ रहे हैं हमारी सिचुएशन। अभी पैनिक नहीं है, सायरेंस कंटिन्यूस बजना थोड़ा बंद हो गया है, बॉम्ब ब्लास्ट भी बंद हो गया है, बट नेक्स्ट ही क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं पता है। संतोष जी, आपकी बेटी नेहा है जो यूक्रेन में है, कहाँ पर है और किस तरीके से है? यूक्रेन की कीव सिटी में अभी बंकर्स में बैठे हैं, वहाँ पे हालातों से जूझ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आपकी बात हुई है, क्या हालात बता रही हूँ, किस तरीके से हैं? उनके हॉस्टल के आगे जहाँ पे बंकर के अंदर वो हैं, वहाँ पे छावनी बना रखी है उन लोगों ने। वहाँ पे फौजी लोग वहाँ पे आके अपना वो डेरा जमा के बैठे हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बच्चों को बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, बस बंकर के अंदर ही बैठे रहो। बंकर की बात करें, कितने बच्चे वहाँ पर हैं? 200 से 250 बच्चे जितना मुझे पता है अंदर बैठे हैं। और जोधपुर के बच्चे की बात करें तो कितने बच्चे जोधपुर के हो सकते हैं? राजस्थान में जोधपुर के 5 या 6 बच्चे होने चाहिए, जिनमें अगर जानती हूँ इतने को। तो खाने पीने की बात करें तो क्या सामग्री अभी उसके पास में है, कैसे किस तरह? देखो, वहाँ बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना खाना खुद बनाते खाते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना इंडियन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो रोज़ का वो राशन खरीदते हैं और खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टोर करना भी पॉसिबल नहीं होता है। अब मेरी बेटी के पास अगर कहा जाए तो 2 या 3 दिन का राशन है। 2 बच्चियां हैं, अब 2 बच्चियां देखो चला लेगी अपना बिस्किट्स वगैरह खा के। मेरी बेटी ने तो मुझे बोला है कि मम्मा, एक इंसान 7 दिन खाना नहीं खाता है तो भी वो जिंदा रहता है, क्योंकि उसकी सोच ही डॉक्टर वाली है। वो बोलती है मुझे देश की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, अपना खाना तक वो बच्चों को दे रही है। और वो कह रही है मैं नहीं खाऊंगी तो चलेगी, लेकिन जो नहीं हिम्मत वाले हैं उनको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके के अभी वहाँ हालात चल रहे हैं, बच्ची वहाँ से आ नहीं पा रही, क्या आप सरकार से निवेदन करेंगी? सरकार देखो, अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है उन लोगों ने कुछ किया है। हालांकि वो लोग कर रहे होंगे, लेकिन रसिया अपनी बात पे अड़िंग है, वो मौका ही नहीं दे रहा है बच्चों को निकलवाने का या इंडियंस को वहाँ से निकलवाने का। तो फिर वही है, अभी मेरी MP साहब से बात हुई थी, गजेंद्र सिंह जी से, तो उन्होंने यही बोला है
कि हम बच्चों को अगर हाथ पकड़ के भी वहां से निकालते और कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स ही हमको ब्लेम करेंगे। तो जब तक रसिया परमिशन नहीं देगा तो इधर की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं सबसे पेरेंट्स से और बच्चों से यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, जो होगा अच्छे के लिए होगा और हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा इंडिया पूरा देश तुम्हारे साथ है।